बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तजा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज की इस वीडियो में हम आईएफआरएस 16 लीजेस के स्टैंडर्ड में लीज टर्म का कॉन्सेप्ट है, लीज टर्म के कॉन्सेप्ट के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी जो कि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछी है कि सर अगर एक कैंसिलेबल प्रॉपर्टी रेंटल एग्रीमेंट है, अगर एक कैंसिलेबल प्रॉपर्टी रेंटल एग्रीमेंट है तो इस केस में हम लीज टर्म कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल से कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि प्रैक्टिकली होता यह है कि जनरली बैंक डिफरेंट तरह के लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है, जनरली बैंक हो गया, ये बहुत सारे टेनेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरह के लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि एक बैंक और एक लैंडलॉर्ड यानी कि लेसी और लेसोर के दरमियान एक रेंट एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट का जो ड्यूरेशन इन दोनों पार्टीज ने एग्री किया है ना, वो ड्यूरेशन एग्री किया है 10 साल का, यानी कि एग्रीमेंट में लिखा है कि ये एग्रीमेंट 10 साल के लिए, और साथ साथ एग्रीमेंट में नोटिस पीरियड दिया है कि इन केस ऑफ टर्मिनेशन 3 मंथ्स, कि अगर ये एग्रीमेंट टर्मिनेट होता है, वैसे तो रेंट एग्रीमेंट का पीरियड 10 साल का है, लेकिन अगर ये 10 साल से पहले टर्मिनेट होता है तो 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। अब इस तरह की सिचुएशन में थोड़ा सा डिटरमाइन करना मुश्किल है कि लीज टर्म क्या होना चाहिए, क्या लीज टर्म 10 साल होगा या लीज टर्म नोटिस पीरियड 3 मंथ होगा। इस चीज को आंसर करने के लिए हमें लीज टर्म के कॉन्सेप्ट, लीज टर्म की डेफिनेशन को देखने की जरूरत है, तो फिर हम आंसर कर सकेंगे कि आदर इस तरह के सिनेरियो में क्या लीज टर्म होगा, आयदर 10 साल या 3 महीने। एक बात याद रखिएगा कि आईएफआरएस 16 में अगर हम लेसी के परस्पेक्टिव से अकाउंटिंग करते हैं तो आईएफआरएस 16 में लेसी एक लीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट टू यूज एसेट को रिकॉग्नाइज करता है, लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करता है, राइट टू यूज एसेट को ओवर द लीज टर्म डेप्रिशिएट करता है, लीज लाइबिलिटी को वक्त के साथ साथ अनवाइंड करता है और अकॉर्डिंगली रेंटल की पेमेंट से उसे रिड्यूस करता रहता है। इसके अलावा आईएफआरएस 16 लेसी को कुछ एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड करता है, कुछ ऑप्शनल एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड करता है। पहली ऑप्शनल एग्जेम्पशन है शॉर्ट टर्म लीज और दूसरी ऑप्शनल एग्जेम्पशन है लीज ऑफ लो वैल्यू आइटम। इन दो ऑप्शनल एग्जेम्पशन के केस में लेसी के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो आईएफआरएस 16 के तहत राइट टू यूज एसेट या लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करे, या फिर वो सिंपली जो रेंटल पे कर है उसे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे या सिस्टमैटिक बेसिस पे एक्सपेंस आउट कर सकता है। तो इस तरह के सिनेरियो में जहां पे रेंटल एग्रीमेंट का ड्यूरेशन 10 साल है या 5 साल है या 7 साल है, लेकिन नोटिस पीरियड 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का है, इस तरह के एग्रीमेंट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लीज टर्म को प्रॉपरली डिटरमाइन करो। क्योंकि अगर लीज टर्म 10 साल कंक्लूड होती है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपने राइट टू यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर इस तरह के सिनेरियो में लीज टर्म 3 महीने कंक्लूड होता है, 4 महीने कंक्लूड होता है, लेस देन ईयर कंक्लूड होता है, तो इसका मतलब है कि इस तरह के केस में शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन भी अप्लाई की जा सकती है। एनीवे हम लीज टर्म की डेफिनेशन, लीज टर्म के कॉन्सेप्ट को देखते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं कि इस तरह के सिनेरियो में हमारा लीज टर्म क्या होगा। ठीक है, आईएफआरएस 16 में लीज टर्म की डेफिनेशन या लीज टर्म के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है एज अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज फॉर विच द लेसी हैज राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट टुगेदर विद बोथ पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड पीरियड कवर्ड बाय द ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। आईएफआरएस 16 के तहत जो लीज टर्म का कॉन्सेप्ट या लीज टर्म की डेफिनेशन है उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है। नंबर 1 नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज, यानी कि एक लीज एग्रीमेंट का, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट का नॉन कैंसिलेबल पीरियड। अब ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड क्या होता है इसे भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू एक्सटेंड, यानी कि अगर हमारे लीज एग्रीमेंट में, हमारे लीज टर्म में लेसी को कोई एक्सटेंशन ऑप्शन दिया गया है और लेसी रीजनेबली सर्टेन है कि वो इस एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, तो जो भी एक्सटेंशन ऑप्शन में पीरियड कवर्ड है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड पीरियड, इससे भी आप लीज टर्म का पार्ट बनाओगे। इसी तरीके से पीरियड कवर्ड बाय द ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज इफ लेसी रीजनेबली सर्टेन नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट में लेसी के लिए कोई टर्मिनेशन ऑप्शन रखा गया है और लेसी रीजनेबली सर्टेन है कि वो इस तरह के टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो टर्मिनेशन ऑप्शन के बाद वाले पीरियड भी हम लीज टर्म का पार्ट बना रहे होंगे। तो बेसिकली आईएफआरएस 16 में लीज टर्म के 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज, नंबर 2 पीरियड कवर्ड बाय द एक्सटेंशन ऑप्शन इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, एंड नंबर 3 पीरियड कवर्ड बाय टर्मिनेशन ऑप्शन इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टेन अबाउट नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब हम बात करते हैं नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज की। नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज का मतलब है कि आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट का वो पीरियड जो कि इन्फोर्सेबल पीरियड हो, आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट का वो पीरियड जो कि इन्फोर्सेबल पीरियड हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टी के पास ये राइट आ जाए कि वो लीज को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी,
और इसके अगेंस्ट इसको कोई पेनल्टी भी इनकर नहीं करनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल के हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लेसोर या लेसी के पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है दूसरे पार्टी की इजाजत दिए बगैर, और इसके अगेंस्ट लेसोर या लेसी को पेनल्टी भी इनकर नहीं करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं कहलाया जाएगा। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में यह है कि एक भी पार्टी लीज को टर्मिनेट करती है कोई सिग्निफिकेंट पेनल्टी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो फिर हम इसे नॉन कैंसिलेबल पीरियड कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेनल्टी भी स्पेसिफाइड नहीं है और पार्टीज के पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है विदाउट द कंसेंट, विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर पार्टी, तो इसका मतलब है अब ये इन्फोर्सिबल पीरियड नहीं है। तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज का मतलब है कि आपकी लीज कॉन्ट्रैक्ट का वो पीरियड जो कि इन्फोर्सिबल हो। अब वापस आते हैं अपनी एग्जाम्पल में कि अगर हमारा रेंटल एग्रीमेंट का ड्यूरेशन है 10 साल, लेकिन नोटिस पीरियड टर्मिनेशन के केस में रखा गया है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इस केस में हम लीज टर्म कैसे डिटरमाइन करेंगे, और फिर इस केस में क्या हमें IFRS 16 के तहत राइट टू असेट और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करने की जरूरत है, या हम शॉर्ट टर्म लीज एग्जम्पशन भी अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में आपने ये देखना है कि आपके लीज एग्रीमेंट को टर्मिनेट या कैंसिल करने का राइट है किसके पास, किस पार्टी के पास लीज को टर्मिनेट या कैंसिल करने का राइट है। आइदर ये लेसी के पास हो सकता है, आइदर ये लेसोर के पास हो सकता है, आइदर ये लेसी या लेसोर दोनों के पास हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेसी के पास। अगर तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लेसी के पास ये राइट है कि वो चाहे तो टर्मिनेट करके 2 महीने का नोटिस पीरियड, 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करे, या फिर 10 साल तक इस एग्रीमेंट को ले चले, और अगर लेसी 10 साल तक इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू करता है, तो फिर लेसोर बाउंड होगा कि वो इस लेसी के एग्रीमेंट को इंटरटेन कर रहा होगा। इस केस में आप इसको सिंपली बिल्कुल ऐसे ही असेस करोगे जैसे आप ऑप्शन टू टर्मिनेट को असेस करते हो, यानी कि लेसी के पर्सपेक्टिव से आप ये देखोगे कि आप क्या इरादा रखते हो कि आप कब तक इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू करोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल के लेसी इरादा रखता है कि वो 1 साल से ज्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल, जितने भी साल असेस करता है कि वो इसे कंटिन्यू करेगा, उतने पीरियड की वो कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करके अपने पास लीज लायबिलिटी और राइट टू यूज एसेट रिकॉर्ड कर रहा होगा। अगर तो लेसी असेस करता है कि वो 1 साल से कम पीरियड में ही लीज को टर्मिनेट कर देगा, तो फिर इस केस में हम शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे लीज टर्म लेस देन ईयर होगा। इन केस के हमारे ये राइट लेसी एंड लेसोर दोनों के पास है, यानी जिस वक्त भी लेसी या लेसोर का दिल करे वो 3 महीने का नोटिस पीरियड देकर इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट या कैंसिल करवा सकता है बगैर किसी पेनल्टी के। तो अब इस ड्यूरेशन में आप ये कहोगे कि नॉन कैंसिलेबल पीरियड 3 मंथ्स का है। इस केस में आप ये कहोगे कि नॉन कैंसिलेबल पीरियड 3 मंथ्स का है। अच्छा, यहाँ पे लोग आर्ग्यूमेंट ये कर सकते हैं या किसी के जहन में ये कंफ्यूजन आ सकती है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट भी ली 10 साल के लिए, 3 महीने का नोटिस पीरियड मैं देके प्रॉपर्टी से वेकेट हो सकता हूँ, 3 महीने का नोटिस पीरियड देकर टेनेंट मुझे प्रॉपर्टी से हटा सकता है। तो इस केस में बीन अ लेसी, मैंने एग्रीमेंट में तो ये लिखा है कि 10 साल का एग्रीमेंट और 3 महीने का नोटिस पीरियड है, लेकिन मेरा इरादा यह है कि मैं 5 साल तक इस जगह में रहूंगा, तो क्या इस केस में भी हमारा लीज टर्म 3 महीने ही होगा या 5 साल होगा? देखिए, इस केस में लेसी कुछ भी डिसाइड कर ले, लेकिन हमने ये जो राइट दिया है हमने लेसी को भी दिया है, लेसोर को भी दिया है। तो इसका मतलब है कि अगर लेसी ये इरादा कर भी लेता है कि उसने टर्मिनेट नहीं करा, स्टिल लेसोर तो इसे टर्मिनेट करवा सकता है, और लेसोर इसे टर्मिनेट करवा सकता है, तो फिर लेसी कुछ कर नहीं सकता। तो जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है वो आपका 3 मंथ्स का होगा, यानी कि अगर नॉन कैंसिलेबल पीरियड 3 मंथ का है, लीज टर्म 3 मंथ का है, तो फिर यहां पर भी शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन अप्लाई हो सकती है। तीसरा, अगर तो ये राइट सिर्फ लेसोर के पास है, तो अगेन नॉन कैंसिलेबल पीरियड 3 मंथ का होगा, क्योंकि हमने ऑप्शन टू एक्सटेंड, ऑप्शन टू टर्मिनेट में लेसी के पर्सपेक्टिव से देखा था कि क्या वो सर्टेन है कि वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा या नहीं। अगर हमने ये ऑप्शन ही लेसोर को दे दिया, तो ऑप्शन कभी भी एक्सरसाइज हो सकता है, लेसी के पास ये कंट्रोल ही नहीं है कि वो लीज ड्यूरेशन या लीज टर्म को कंक्लूड कर सके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नॉन कैंसिलेबल पीरियड 3 मंथ्स का होगा। इन दोनों केसेस में जहां पे नॉन कैंसिलेबल पीरियड 3 मंथ्स का है, यानी कि शॉर्ट टर्म लीज एग्जम्पशन के लिए क्वालिफाई हो जाता है, तो आप शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब सिमिलर लीज अरेंजमेंट, जब हमारे अंडरलाइन क्लास ऑफ एसेट की जो सिमिलर लीज अरेंजमेंट है वो सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन सब पे हम शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन अप्लाई करें। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि आधी लीज पे शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन अप्लाई करें, आधी लीज पे IFRS 16 अप्लाई करें। अगर सिमिलर अरेंजमेंट्स हैं, सिमिलर हमने प्रॉपर्टीज इस तरह की अरेंजमेंट्स की हैं, तो फिर हमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज पे शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप कि इस वीडियो में मैं इस कैंसिलेबल लीज एग्रीमेंट के केस में लीज टर्म डिटरमाइन करने के हवाले से कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।